नमस्कार मित्रों, आज हम ऐसे ही मुगल शासकों की कहानी बताने जा रहे हैं कि जो कि इतनी रानियां होने के बावजूद भी क्यों अपनी माँ बहन बेटी के साथ नाजायज संबंध बनाते थे। मित्रों, इतिहास में आप लोग पढ़े या सुने होंगे कि लूट, हत्या, अयाशी, सगे बाप और भाइयों का कत्ल और सगी माँ बहन बेटियों से शारीरिक संबंध बनाने की घटनाओं से भरा पड़ा है। अगर कहा जाए कि दुनिया के इतिहास में कोई ऐसा खानदान जहां किसी के भी असली बाप का सच नहीं पता हो, तो एक ही नाम आएगा, मुगल खानदान। अफीम के नशे में डूबे रहने वाला हुमायूं हो या अपनी सगी बेटी से शारीरिक संबंध बनाने वाला शाहजहां या अपनी बहन से संबंध बनाने वाला अकबर, मुगल खानदान का असली सच बहुत भयानक है। अकबर ने सिर्फ अपनी हवस मिटाने के लिए न जाने कितनी मुस्लिम औरतों को भी अस्मत लूटी थी। इसमें मुस्लिम नारी चांद बीबी का नाम भी है। अकबर ने अपनी सगी बेटी आराम बेगम की पूरी जिंदगी शादी नहीं की और अंत में उसकी मौत अविवाहित ही जहांगीर के शासन काल में हुई। सबसे मनगढ़ंत खिस्सा की अकबर ने दया करके सती प्रथा पर रोक लगाई, जबकि इसके पीछे उसका मुख्य मकसद केवल यही था कि राजवंशी हिंदू नारियों के पतियों को मरवाकर एवं उनको सती होने से रोककर अपने हरम में डालकर अयाशी करना। राजकुमार जयमल की हत्या के पश्चात अपनी अस्मत बचाने को घोड़े पर सवार होकर सती होने जा रही उसकी पत्नी को अकबर ने रास्ते में ही पकड़ लिया। शमशान घाट जा रहे उसके सारे संबंधियों को वहीं से कारागार में सड़ने के लिए भेज दिया और राजकुमारी को अपने हरम में ठूस दिया। इसी तरह पन्ना के राजकुमार को मारकर उसकी विधवा पत्नी का अपहरण कर अकबर ने अपने हरम में ले लिया। अकबर औरतों के लिबास में मीना बाजार जाता था, जो हर नए साल की पहली शाम को लगता था। अकबर अपने दरबारियों को अपनी स्त्रियों को वहां सज धज कर भेजने का आदेश देता था। मीना बाजार में जो औरत अकबर को पसंद आ जाती, उसके महान फौजी उस औरत को उठा लाते थे और कमी अकबर की अयाशी के लिए हरम में ले जाकर पटक देते थे। अकबर महान उन्हें एक रात से लेकर एक महीने तक अपनी हरम में खिदमत का मौका देते। जब शाही दस्ते से बाहर जाता था तो अकबर के हरम की औरतें जानवर की तरह महल में बंद कर दी जाती थी। अकबर ने अपनी अयाशी के लिए इस्लाम का भी दुरुपयोग किया था। चूंकि सुन्नी फिरके के अनुसार एक मुस्लिम एक साथ चार से अधिक औरतें नहीं रख सकता और जब अकबर उससे अधिक औरतें रखने लगा तो काजी ने उसे रोकने की कोशिश की। इससे नाराज होकर अकबर ने उस सुन्नी काजी को हटाकर सिया काजी को रख लिया, क्योंकि सिया फिरके में असीमित और अस्थाई शादियों की इजाजत है। ऐसी शादियों को अरबी में मुतव कहा जाता है। अबुल फजल ने अकबर के हरम को इस तरह वर्णित किया है कि अकबर के हरम में 5000 औरतें थी और ये 5000 औरतें उसकी 36 पत्नियों से अलग थी। शहंशाह के महल के पास ही एक शराबखाना बनाया गया। वहां इतनी वेश्याएं इकट्ठा हो गई कि उसकी गिनती करनी भी मुश्किल हो गई। अगर कोई भी दरबारी किसी नई लड़की को घर ले जाना चाहते थे तो उसको अकबर से आज्ञा लेनी पड़ती थी। कई बार सुंदर लड़कियों को ले जाने के लिए लोगों में झगड़ा भी हो जाता था। एक बार अकबर ने खुद कुछ वेश्याओं को बुलाया और उनसे पूछा कि उनसे सबसे पहले भोग किसने किया। बैरम खा, जो अकबर के पिता जैसा और संरक्षक था, उसकी हत्या करके इसने उसकी पत्नी अर्थात अपनी माता के समान स्त्री से शादी की। इस्लामिक शरीयत के अनुसार किसी भी मुस्लिम राज्य में
रहने वाले गैर मुस्लिमों को अपनी संपत्ति और स्त्रियों को छीनने से बचाने के लिए इसकी कीमत देनी पड़ती थी, जिसे जजिया कहते थे। कुछ अकबर प्रेमी कहते हैं कि अकबर ने जजिया खत्म कर दिया था, लेकिन इस बात का इतिहास में एक जगह भी उल्लेख नहीं। केवल इतना है कि जजिया रणथंभौर के लिए माफ करने की शर्त रखी गई थी। रणथंभौर की संधि में बूंदी के सरदार को शाही हरम में औरतें भेजने की रीति से मुक्ति देने की बात लिखी गई थी, जिससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि अकबर ने युद्ध में हारे हुए हिंदू सरदारों के परिवार की सर्वाधिक सुंदर महिला को मांग लेने की एक परिपाटी बना रखी थी, और केवल बूंदी ही इस क्रूर रीति से बच पाया था। यही कारण था कि इस मुस्लिम सुल्तानों के काल में हिंदू स्त्रियों के जौहर की आग में जलाने की हजारों घटनाएं हुई। नमस्कार मित्रों, आशा करता हूं कि यह स्टोरी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो मेरे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के सामने आसानी से ला सकूं। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय माता दी।